तो चलिए सर, आज आपके लिए एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब लेके आए हैं जो कि सभी बच्चों के लिए है। यानी कि अगर आपने ट्रिपल सी पास किया हुआ है, ठीक है, आईटीआई कोपा भी किया हुआ है मान लीजिए, या फिर आपने ओ लेवल पास किया हुआ है या ए लेवल पास किया हुआ है, या अदर कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जैसे कि डीसी हो सकता है, पीजीडीसी हो सकता है, एडीसी हो सकता है, यानी कंप्यूटर से संबंधित अगर आप कोई भी जानकारी रखते हैं या सर्टिफिकेट आपने किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो इस पोस्ट से आपको अवगत कराते हैं किस प्रकार की पोस्ट है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत ये आपकी जॉब निकाली गई है। और ये जो डिपार्टमेंट है इसमें जॉब किस प्रकार की है, छत्तीसगढ़ में आपकी है हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी आपकी है, ग्रेड डी रिक्वायरमेंट 2023 के अनुसार ये आपकी निकाली गई है। ठीक है, तो फॉर्म जो आपका स्टार्ट इसमें किया जाएगा 20 मई से, आज 18 है, 2 दिन बाद इसका फॉर्म है ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रखी गई है 8/6 रखी गई है। ठीक है, और पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो भी 8/6 रखी गई है। उसके बाद इसमें करेक्शन की जो डेट रखी गई है 9 जून रखी गई है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड की डेट है वो बाद में पब्लिश की जाएगी। इसमें जो है छत्तीसगढ़ के जो भी डोमिसाइल है यानी कि छत्तीसगढ़ के जो भी निवासी हैं उनके लिए 0 फीस इसमें लगेगी और पोर्टल फीस प्लस जीएसटी फीस एक्स्ट्रा आपको इसमें लगेगी। करेक्शन के लिए जो चार्जेस रखा गया है वो आपका 500 रुपये इसमें रखा गया है। ठीक है, और एडमिट कार्ड का देखिए यहाँ पे दिया गया है 26/2, 26/2 उन्होंने लिख दिया, 2 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, मेरे अनुमान से कुछ और होगा या मिस्टेक यहाँ पे है या जो भी है, एग्ज़ाम डेट 26/2 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, और इसमें जो एज रखी गई है 21 से लेके 35 आपकी जो है एज इसमें रखी गई है, और टोटल जो पोस्ट है इसमें 500 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में पोस्ट भी अवेलेबल हैं, आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है 500 इसमें वैकेंसी है, और 10+2 इंटरमीडिएट इसमें आपका मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इतनी जानकारी हमारे पास अवेलेबल है। अब हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ले चलते हैं। यहाँ पर आपको देखिए इसका फॉर्म अप्लाई करना है, यहाँ पर लिंक एक्टिवेट किया जाएगा परसों। ठीक है, और ये है इसका नोटिफिकेशन जो कि दिया गया है विज्ञापन। ठीक है, तो इसमें मैं आपको सिंपल सा ले चलता हूँ, जो वैकेंसी है वो कुछ इस फॉर्म में है, आप टोटल दे सकते हैं 500 वैकेंसी है, और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है यहाँ पूरा मेंशन किया गया है, आप लोग इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। और नीचे आ जाएंगे हम यहाँ पे, तो इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें आपको दिखा देते हैं क्या देखिए मांगा गया है। ठीक है, तो देखिए आवश्यक जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है इसमें मांगा गया 10+2 पद्धति के अनुसार हायर जो भी आपका सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए, तथा कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमानता दी जाएगी। ठीक है, जो भी कंप्यूटर संबंधित जानकारी या सर्टिफिकेट आपने किया होगा जैसे कि ट्रिपल सी हो सकता है, मैंने आपको बताया ओ लेवल, ए लेवल, डी सी ए, पी जी डी सी ए, ए डी सी ए, या कोई भी कोर्स आपके पास हो 3 मंथ का, 6 मंथ का या 1 ईयर का, तो आपको अर्हता इसमें दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। और नीचे दे सकते हैं जो भी है आपको कंप्यूटर प्रश्न पत्र जो पूछे जाएंगे कंप्यूटर ज्ञान से 50 अंकों के प्रश्न इसमें कंप्यूटर से ही पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपके लिए ये पूरा पूरा आपके हित में है। जो भी बच्चे ट्रिपल सी ओ लेवल पास हैं या ए लेवल पास हैं या आईटीआई कोपा भी किए हैं तो उनके लिए 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, ईजिली आप इसको जॉब को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप नंबर उसमें आप ज़्यादा ला सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी उसका ज्ञान है। तो कंप्यूटर से संबंधित आपके 50 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाने हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, तो इसको ज़रूर आप लोग अप्लाई करें। जो भी इसमें देखिए जो भी चयन होगा बच्चे वो 3 वर्ष के लिए आपका जो है चयन किया जाएगा। ठीक है, और पहले जो पहला वर्ष होगा उसमें 70% आपको वेतन दिया जाएगा, तीसरे वर्ष में आपको 80% वेतन दिया जाएगा, और तीसरे वर्ष में आपको 90%, दूसरे में 80%। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका है वेतन जो है दिया जाएगा, तो इस प्रकार से ये आपकी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, बाकी इसमें सब दिया गया है, जो छत्तीसगढ़ के जो निवासी होंगे उनको थोड़ी सी ज़्यादा इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा इसमें छूट मिलेगी, बाकी इसको अप्लाई कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं टोटल जो है छत्तीसगढ़ के लिए, यानी कि वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके लिए, प्लस कोई खिलाड़ी वगैरह हैं स्पोर्ट पर्सन है उनके लिए, और एज वगैरह सबको इसमें दिया गया है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ देखिए पेपर भी दिए गए हैं, परीक्षा की जो योजना है उस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ठीक है,
तो 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उसमें किस किस संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यूनिट 2 है जिसमें कि कंप्यूटर के क्वेश्चन है। आप देखिए कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे वो यहाँ पे सारा दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छा है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो देखिए कंप्यूटर का परिचय है, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किस लिए किया जाता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर के प्रमुख भाग सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है, प्रिंटर के प्रकार इंकजेट लेजर, ये क्या होता है आपके, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है कमर्शियल ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारा बेसिक सा है, यानी कि आपका जो CCC लेवल में आप ऑलरेडी ये सारा चीज़ें पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। 50 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे जिसमें कि 25% अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि कंप्यूटर के जो ये 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें से 25 नंबर आपको लाना ही लाना है। और ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, देखिए मल्टीमीडिया का उपयोग, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट फाइल CD DVD क्या होती है, गूगल आपका क्या होता है, यूट्यूब की संबंधित जानकारी, सर्च इंजन, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग आपका, वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस क्या होता है, तो बहुत ही ईजी से क्वेश्चन आपके जो इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर आप फॉर्म अप्लाई करें तो उससे आप कॉन्टैक्ट करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी हिंदी इंग्लिश वगैरह जो है साइंस वगैरह दी गई है, ये है सिंपल साइज का नोटिफिकेशन। तो लिंक जब एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे आपको बता देंगे। फिलहाल जो है अभी ये बेसिकली नोटिफिकेशन आया है, लेकिन अभी आपका जो है कम्प्लीटली नोटिफिकेशन नहीं आया है, यहाँ पर जब आ जाएगा तो आपको ये देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। ठीक है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये PDF आ जाएगी, अभी इसके लिए अप्लाई का लिंक नहीं आया है। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, आप डाउन नोट कर लें, PSG.CG.GOV.IN, इस वेबसाइट पर जाकर एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड करके पूरा इसको पढ़ लें, उसके बाद इसको आप अप्लाई करें 2 दिन के बाद। ठीक है, तो ये सभी के लिए है, जो बच्चे कंप्यूटर संबंधित जानकारी या क्वेश्चन की जानकारी रखते हैं तो वो इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।